आप जरा इस ऑफिस को देखिए, यहाँ पर हर रोज करोड़ों रुपए इधर से उधर किए जाते हैं। मतलब हर आदमी हमें पैसों के साथ ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा जैसे कि उसके लिए वो महज बस कागज के टुकड़े हों। लेकिन ये लोग इन पैसों का करते क्या हैं? और सबसे बड़ी बात, इतने सारे पैसे यहाँ आते कैसे हैं? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है मैड मनी। इस मूवी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं। ये पुलिस वाले कुछ लोगों पर जासूसी कर रहे थे और जब वो उनके घर के अंदर जबरदस्ती रेड मारते हैं तो वो कुछ लोगों को पैसे जलाते और उन्हें टॉयलेट में फ्लश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। भला ये लोग उस चीज को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे थे जिसे कमाने के लिए लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें पूछताछ के लिए इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। ये सब कुछ शुरू हुआ था आज से ठीक 3 साल पहले। हम यहाँ पर ब्रिजेट नाम की एक लेडी और उसके हस्बैंड डॉन को देखते हैं। एक समय होता था जब इन लोगों के पास बहुत पैसा था, लेकिन आज इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इन्हें अपने ही घर में मुंह छुपाकर रहना पड़ता है। डॉन की नौकरी जाने के बाद वो पिछले 1 साल से बेरोजगार है। ब्रिजेट को भी कोई काम नहीं आता जिसे कर वो अपने घर चलाने भर के भी पैसे कमा सके। उन दोनों के ऊपर कुल मिलाकर इतना कर्ज है जिसे वो इस जन्म में तो शायद बिल्कुल भी नहीं चुका पाएंगे। हम देखते हैं कि ब्रिजेट की हाउसमेट उसे बताती है कि इस महीने उसका 3रा चेक बाउंस हुआ है, उसे उसके काम के पैसे चाहिए। लेकिन ब्रिजेट उसे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और अगर वो चाहे तो उसके बदले में अगले 3 महीने तक वो उसके घर की सफाई कर सकती है। ये सुनकर उस हाउसमेट को भी उस पर रहम आ जाता है। वो उसे एक आदमी का नंबर देती है जो शायद उसे कोई नौकरी दिलवा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिजेट को अब एक जॉब मिल गई थी। आज उसका ये पहला दिन था और उसे फेडरल बैंक में साफ सफाई का काम दिया गया था। एक औरत उसे उस बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन बता रही थी, लेकिन जब उसे सिक्योरिटी रूम में लेकर जाती है तो वहाँ पर लगे मॉनिटर्स को देखकर ब्रिजेट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो देखती है कि उस बैंक में लोग बहुत सारा कैश हैंडल कर रहे थे। इतना सारा कैश उसने कभी नहीं देखा था। वो जगह एकदम किसी कसीनो की तरह थी। वहाँ हद से ज्यादा पैसा था। बस फर्क इतना था कि वहाँ काम करने वाला कोई भी आदमी वहाँ से कुछ गायब करने के बारे में सोचता तक नहीं था। ब्रिजेट को पता चलता है कि वो लोग उन पैसों को काट कर उन्हें रिसाइकल करते हैं और पैसों के साथ ऐसा कुछ भी होता है ये उसने पहली बार देखा था। हम देखते हैं कि एक दिन ब्रिजेट के किचन का टैब टूट गया था। वो जब दूसरा टैब लेने के लिए सुपरमार्केट जाती है तो उसे वहाँ पर एक लॉक दिखाई देता है। ये ताला उस ताले से बिल्कुल मैच खाता था जैसा कि वो बैंक वाले इस्तेमाल करते थे। ब्रिजेट एक अच्छे खासे शरीफ घराने से थी, लेकिन पता नहीं कि उसे ऐसा लगा कि वो उस जगह से अपने लिए कुछ पैसे चोरी कर सकती है। हम देखते हैं कि वो उस जगह का पूरा लेआउट बनाती है ताकि वो उस बैंक की कोई कमजोर कड़ी ढूंढ सके। पर बहुत कोशिश करने के बाद उसे समझ आता है कि इस चोरी को अंजाम दे पाना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी। वहाँ आते वक्त चेकिंग, जाते वक्त चेकिंग, यहाँ तक कि वो कभी कभी सरप्राइज चेकिंग भी कर लेते थे। उस बैंक में यूएसए के 10 राज्यों से पैसा लाया जाता था और नोटों को रिसाइकल करने का प्रोसेस सिर्फ 3 स्टेप्स में किया जाता था। ये पूरा प्रोसेस बस एक ताले के ऊपर निर्भर था। उस ताले की 3 चाबियां थी। पहली चाबी उस आदमी के पास थी जो उन पैसों को एक बड़े से कंटेनर में भरता था। दूसरी चाबी उस औरत के पास थी जो उस कंटेनर को खोलकर उन पैसों को कटर में डालती थी। और तीसरी चाबी एक बैकअप के तौर पर वहाँ के एक बहुत ही भरोसेमंद एम्प्लॉय को दी गई थी जो उस बैंक में पिछले 30 सालों से काम कर रहा था। एक दिन ब्रिजेट देखती है कि हर जगह पर कैमरे लगे हुए थे, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर कैमरा था तो, लेकिन वो उस पूरी जगह को ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। ब्रिजेट ने फाइनली प्लान बना लिया था, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि वो वहाँ पर बस साफ सफाई का काम करती है। वो उस जगह पर नहीं जा सकती जहाँ से उसे पैसों को गायब करना है। इसके बाद ब्रिजेट वहाँ पर कुछ लोगों को टेस्ट करने लगती है जिसके साथ मिलकर वो वहाँ पर उस चोरी को अंजाम दे सके। वो जानबूझकर जमीन पर कुछ नोट गिराती और लोगों से पूछती कि क्या ये नोट उनका है, लेकिन हर बार उसे सामने से ईमानदारी से भरे हुए जवाब ही मिलते थे। एक पल के लिए उसे लगा कि वहाँ पर सभी ईमानदार हैं, इसीलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। बट फिर उसे एहसास होता है कि उसका पति पैसों के लिए घर की नीलामी कर रहा है और अगर उसने चोरी को अंजाम नहीं दिया तो वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। एक दिन ब्रिजेट हिम्मत करके उस औरत के पास जाती है जो उन पैसों को कटर में डालने का काम करती थी। उसका नाम नीना था। ब्रिजेट उसे साफ साफ बताती है कि उसके पास उन पैसों को चुराने का फुल प्रूफ प्लान है और उसे इस काम में उसकी मदद चाहिए। नीना उस पर हंसने लगती है और उसे बताती है कि पिछले 100 सालों में यहाँ कोई चोरी नहीं हुई, तो तुम चोरी करना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी मत। ब्रिजेट उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नीना के 2 बच्चे थे और इस तरह का गैर कानूनी काम करके उसे उनका भविष्य खराब नहीं करना था। ब्रिजेट उसे वो ताला दिखाती है जिसे खोलकर नीना हर दिन उस कंटेनर से पैसे निकालती थी। नीना देखती है कि वो बिल्कुल हूबहू उसी ताले की तरह था। वो उससे पूछती है कि उसे ये ताला कहाँ पर मिला
और ब्रिजेट उसे बताती है कि ये उस ताले की डुप्लीकेट कॉपी है। नीना उसे वहां से जाने के लिए कहती है और इस तरह ब्रिजेट ने अपनी पहली और आखिरी उम्मीद खो दी थी। हम देखते हैं कि नीना को अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना था जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। अगले दिन जब वो अपना काम कर रही थी तो उसकी नजर उस ताले की ओर जाती है और उसे एहसास होता है कि वो कितने सालों से इन पैसों को रिसाइकल कर रही है। यहाँ पर बेशक इनकी कोई वैल्यू नहीं थी लेकिन बाहर ये उसके बच्चों की जिंदगी बदल सकते थे। नीना उसकी इस चोरी में उसकी मदद करने को तैयार थी पर वो ब्रिजेट से कहती है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो उसे मार देगी। इसके बाद वो दोनों एक और लड़की के पास जाती हैं। इस लड़की का नाम जैकी था और यही लड़की उन पैसों से भरे कंटेनर को नीना तक लेकर आती थी। वो सभी उसे शाम को डिनर के लिए बुलाते हैं और उसे उनके प्लान के बारे में बताते हैं। जैकी उनका प्लान सुनते ही उन्हें हाँ कर देती है जैसे कि वो इतने सालों से बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। काम बहुत सिंपल था लेकिन सबसे जरूरी था उन लोगों के बीच में तालमेल। वो अपने लिए एक गैंग साइन बनाते हैं ताकि उन्हें ऑफिस में एक दूसरे से बात ना करनी पड़े। अगले दिन जब वो सभी लंच टाइम में कैफेटेरिया में बैठे थे तो ब्रिजेट उन्हें काम शुरू करने के लिए इशारा करती है। नीना भी उसे इशारा करके अपनी सहमति देती है लेकिन हम देखते हैं कि जैकी बहुत घबराई हुई थी। कल रात का उसका पूरा कॉन्फिडेंस मानो जैसे गायब ही हो गया था। ब्रिजेट और नीना उस पर बहुत गुस्सा थे पर जैकी उन्हें बताती है कि उसे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। वो ये करना चाहती है लेकिन वो ये तभी करेगी जब उसे अंदर से आवाज आएगी कि वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। उन दोनों को लगा कि ये जैकी क्या फालतू की बातें कर रही है लेकिन शाम के समय हम देखते हैं कि उस बैंक का एग्जामिनर वहां पर एक सरप्राइज चेकिंग कंडक्ट करवाता है। अच्छी बात थी कि उन्होंने उस दिन चोरी नहीं की नहीं तो वो लोग पकड़े जाते। अगले दिन वो लोग एक बार फिर से एक दूसरे को वही इशारा करते हैं और इस बार उन्हें जैकी की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था। हम देखते हैं कि ब्रिजेट जब हर रोज की तरह सफाई कर रही थी तो वो उस कंटेनर का ताला निकाल कर उसकी जगह अपने वाला लॉकर लगा देती है। उसने उस कंटेनर का नंबर नोट कर लिया था। हर रोज की तरह जब जैकी उसके सामने से गुजरती है तो वो जैकी को उस कंटेनर का नंबर बता देती है। ब्रिजेट ने उस कंटेनर का असली वाला ताला और उसका नंबर लेकर उसे लेडीज वाले वॉशरूम में छुपा दिया था जिसे बाद में नीना वहां से उठा लेती है। अब उन्हें बस उस कंटेनर के पैसों से भरने का वेट करना था। हम देखते हैं कि जब बैंक वालों ने उसे पूरी तरह से भर दिया था तो जैकी का काम था उसे रिसाइकल करने के लिए उन पैसों को नीना तक पहुंचाना लेकिन इसी बीच वो उन पैसों को गायब भी करने वाली थी। हम देखते हैं कि जैकी एक लिफ्ट के पास खड़ी होकर हर रोज की तरह उस लिफ्ट के नीचे आने का वेट कर रही थी। लिफ्ट के आने का टाइम ज्यादातर समय फिक्स होता था और जैकी जहां पर खड़े होकर उसका इंतजार करती थी उसके जस्ट पीछे एक डस्टबिन था। जैकी उस ताले को खोलकर उस कंटेनर में से कुछ पैसे निकालकर उन्हें उस डस्टबिन में डाल देती है और उस लिफ्ट के आने से पहले उसे फिर से लॉक भी कर देती है। वो कंटेनर जब नीना के पास आता है तो नीना अपने डुप्लीकेट ताले को निकालकर फिर से उसमें बैंक वालों का ओरिजिनल ताला लगा देती है। ब्रिजेट का काम था वहां पर साफ सफाई करना। वो उस डस्टबिन के पास जाती है और इन सारे पैसों को वहां से उठाकर वहां से गायब हो जाती है। वो सभी लेडीज वॉशरूम में छुपकर उन पैसों को आपस में बांट लेते हैं और उन्हें अपने अपने कपड़ों में अच्छी तरह से छुपा लेते हैं ताकि कोई उन्हें चेकिंग के दौरान पकड़ ना सके। जब उनके ऑफिस की छुट्टी हो रही थी तो नीना जानबूझकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड से मीठी मीठी बातें करने लगती है और उसकी बातों से वहां का माहौल बहुत कैजुअल हो गया था। वो सभी वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी उस बैंक का एग्जामिनर ग्लोवर चिल्लाते हुए उन लोगों के पास आता है। जैकी देखती है कि उसके कपड़ों से कुछ नोट बाहर निकल रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो वो पकड़े गए लेकिन हम देखते हैं कि वो तो ब्रिजेट को उसका आईडी कार्ड लौटाने आया था जो चेकिंग के समय गलती से फ्लोर पर गिर गया था। वो तीनों चैन की सांस लेते हैं और जब वो घर आकर उन पैसों को गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने अपने एक साल की सैलरी जितना पैसा बस एक दिन में कमा लिया था। वो सभी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे कि तभी वहां पर डॉन आ जाता है और वो उन्हें उन पैसों के साथ देख लेता है। डॉन को जब पता चलता है कि उन लोगों ने इतने सारे पैसे कहां से लाए हैं तो वो उन्हें दोबारा ऐसा करने से मना करता है पर ब्रिजेट उसे समझाती है कि वो लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, ये पैसे वैसे भी आगे जाकर कचरा ही बनने वाले थे। डॉन बहुत कर्जे में था और उसे भी लगने लगता है कि अगर उसकी पत्नी को खुद पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो उसे नहीं रोकना चाहिए। हम देखते हैं कि नीना उन पैसों से अपने बच्चों का एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में करवाती है और यहाँ तक कि वो उनके पूरे साल की फीस एक बार में भर देती है। इसी तरह वो बीच बीच में चोरी करने लगे थे और देखते ही देखते अगले 6 महीनों में उन लोगों ने अपना सारा कर्जा चुका दिया था और वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। ब्रिजेट उन्हें कहती है कि हमें इसे आगे भी जारी रखना चाहिए पर डॉन उसे कहता है कि हमने काफी पैसा चोरी कर लिया है और अब अगर हम इससे आगे गए तो शायद हम पकड़े जाएं क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस IRS यानी इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विस को रिपोर्ट हो जाएगी। नीना भी उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत थी
आफ्टरऑल उसके दो बच्चे थे और अगर वो पकड़ी जाती तो पुलिस उससे उसका सब कुछ छीन लेती। एक जैकी ही थी जिसे और पैसे चुराने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी नीना उन्हें साफ साफ कहती है कि उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए अगर वो नहीं चाहती तो वो लोग चोरी नहीं करेंगे। अगले दिन उन्हें अपनी आखिरी चोरी करनी थी। हम देखते हैं कि जब ब्रिजिट वॉशरूम में नीना की ओर वो ताला फेंकती है तो उसे पकड़ने की कोशिश में उससे उस ताले की चाबी सिंक में गिर जाती है। वो इस बार बुरी तरह से फंस गए थे क्योंकि बिना उस चाबी के नीना अपने वाले ताले को बैंक वाले ताले से बदल नहीं सकती थी। एक्स्ट्रा कीज सिर्फ जैकी के पास थी पर उनमें से किसी के पास भी एक दूसरे का नंबर नहीं था। ब्रिजिट डॉन को फोन करके उसे तुरंत जैकी के बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए कहती है। वो उन्हें पूरी सिचुएशन अच्छे से समझाती है जिसके बाद जैकी का बॉयफ्रेंड जैकी को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्तों ने चाबी खो दी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम उन तक चाबी पहुंचाने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि जैकी उस चाबी को एक च्युइंगम में लपेटकर उसे लिफ्ट में चिपका देती है जिसे बाद में ब्रिजिट सफाई के बहाने वहां से उठा लेती है। दूसरी ओर नीना ने सभी कंटेनर के पैसों को रिसाइकल कर दिया था क्योंकि उसके पास आखिरी कंटेनर की चाबी नहीं थी, इसलिए वो ऐसा दिखावा करती है कि जैसे कि उससे वो लॉक नहीं खुल रहा। शॉन नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद करने आता है लेकिन उससे भी वो लॉक नहीं खुल रहा था। इसी बीच ब्रिजिट वहां पहुंच गई थी और वो फेंस के ऊपर से चाबी नीना की ओर फेंक देती है। शॉन ये देखकर काफी हैरान था कि नीना ने अभी इतनी आसानी से लॉक कैसे खोल दिया। तभी वो देखता है कि उसने तो बैंक के लॉकर की चाबी को छुआ तक नहीं। उसे उस पर शक हो जाता है। छुट्टी होने के बाद जब नीना अपने घर जा रही थी तो शॉन उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसे उन्हें अभी इसी वक्त रोकना होगा। हमें पता चलता है कि शॉन नीना को पसंद करता था इसलिए वो चोरी के बारे में बैंक वालों को नहीं बताता और उन्हें सुधरने का एक मौका देता है। ब्रिजिट नीना को कहती है कि अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो क्यों ना हम उसे भी अपने साथ शामिल कर लें। ब्रिजिट के काफी समझाने के बाद नीना शॉन के घर जाती है और वो उसे चुप रहने के बदले में उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन हम देखते हैं कि शॉन कोई ऐसे वैसे टाइप का आदमी नहीं था, वो बस चाहता था कि वो लोग चोरी करना बंद कर दें। ब्रिजिट चाहती थी कि शॉन भी उनके साथ मिलकर काम करे। उसे समझाना काफी टेढ़े खीर था लेकिन आखिर में वो लोग उसे भी इस काम को करने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद फिर क्या था, उनके लिए तो काम और भी आसान हो गया था क्योंकि कैमरे पर तो शॉन ही बैठता था। वो लोग इसी तरह चोरी करते रहते हैं। देखते देखते उन लोगों ने इतने पैसे गायब कर दिए थे कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो उन पैसों का क्या करें। ना तो वो उन्हें बैंक में जमा कर सकते थे और ना ही वो उसे किसी ऐसी जगह खर्च कर सकते थे जिससे टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ जाए। उनके घर के हर कोने में पैसे भरे हुए थे। एक दिन ब्रिजिट ने अपने घर में पार्टी रखी थी। वो देखती है कि एक अनजान आदमी काफी देर से उन लोगों को ही देखे जा रहा था। ब्रिजिट जब अपने ऑफिस जाती है तो वो उसे वहां पर भी दिखाई देता है। दरअसल ये आदमी फेडरल एग्जामिनर था जिसे उस बैंक में हो रही चोरी के बारे में पता चल गया था। फिलहाल उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो ऑफिसर ग्लोवर से कहता है कि उसके बैंक में चोरियां हो रही हैं, पर हम देखते हैं कि ग्लोवर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वहां कोई डिजिटल मनी नहीं थी, उनके पास सिर्फ फिजिकल कैश था जिसे बाहर निकालना इम्पॉसिबल था। एग्जामिनर उसे कहता है कि अगर उसने सबूत ढूंढ लिए तो उन लोगों के साथ उसे भी पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ग्लोवर को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे वहां से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो एग्जामिनर ब्रिजिट के पड़ोसियों से उनके इनकम सोर्स के बारे में पूछताछ करने के लिए निकल जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसियों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो लोग इतने पैसे कैसे कमाते हैं। डॉन जब उसे खिड़की से देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। वो खुद को उनके हवाले करने वाला था पर ब्रिजिट उसे शांत रहने को कहती है और उसे समझाती है कि अगर उन लोगों ने सरेंडर किया तो वो लोग नीना के बच्चों को उससे अलग कर देंगे। उन लोगों ने फेडरल क्राइम किया था और इस बार वो लोग बुरा फंसे थे। उन्हें पता चलता है कि जैकी के बॉयफ्रेंड ने बहुत सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए थे और इसी वजह से बैंक को उनके ऊपर पहली बार शक हुआ था। वो सभी उसे डांटते हैं क्योंकि उसकी वजह से अब सभी पुलिस की निगरानी में थे। वो ना तो भाग सकते थे और ना ही कुछ खरीद सकते थे। ब्रिजिट जानती थी कि वो लोग उन्हें बिना एविडेंस के अरेस्ट नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि वो सभी उस रात अपने रखे पैसों को बाहर निकाल कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। जैकी ने अपनी पूरी वैन में आग लगा दी थी लेकिन नीना और डॉन उन पैसों को जलाते हुए पकड़े जाते हैं। उन सभी से पुलिस पूछताछ करती है पर कोई भी बिना लॉयर के कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वेल, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्रिजिट थी वो उन लोगों से छुपते छुपाते एक होटल में जाकर बैठ जाती है। वो एग्जामिनर उनका पीछा कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एग्जामिनर उसे एक ऑफर देता है। वो चाहता था कि वो सभी अपने क्राइम कबूल कर लें और वो उन्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेगा। ब्रिजिट उसे कहती है कि अगर उसे लगता है कि हमने सच में ऐसा कुछ किया है तो वो उसे प्रूफ करके दिखाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस उन लोगों को इंटेरोगेट कर रही थी। वो चाहते थे कि वो सभी डील कर लें और वो उनमें से किसी एक को जाने देंगे। हम देखते हैं कि सभी लोग मीना और उसके बच्चों के बदले अपने अपने जुर्म कबूलने को तैयार थे।
नीना को जब पता चलता है कि उन लोगों ने सच बताने के बदले उसे छोड़ने की डिमांड की है तो नीना उन सभी के लिए बहुत परेशान हो जाती है। पुलिस उन्हें लेकर जा ही रही थी कि इसी बीच वहां पर ब्रिजेट और उसका लॉयर आता है। हालांकि उन लोगों ने पुलिस को सच बता दिया था लेकिन फिर भी उनका वकील फेडरल पुलिस से कहता है कि वो लोग उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो पैसे उन्होंने चुराए थे वो कैश थे, उनकी कोई बिलिंग नहीं थी और न ही उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे जिसकी उन्हें पुलिस को जवाबदेही देनी पड़े। ब्रिजेट ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था, उन्होंने अपने 90% खर्चों को जस्टिफाई कर दिया था और जो वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की। हालांकि वो लोग पकड़े गए थे पर वो इस बात को कैसे प्रूफ करते क्योंकि कोर्ट तो पुलिस वालों की गवाही नहीं मानता। आखिर में फेडरल ऑफिसर ग्लोवर से स्टेटमेंट लेते हैं। ग्लोवर अपनी इज्जत रखने के लिए उन्हें कहता है कि उसके बैंक से कोई पैसे चोरी नहीं कर सकता। हालांकि वो भी इस बात को समझ गया था कि उन लोगों ने चोरी की है लेकिन अगर वो इस केस को आगे बढ़ाता तो सवाल उसके ऊपर भी उठाए जाते। इसके बाद केस को वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है और वो लोग अपने टैक्सेस को भरकर जेल जाने से बच गए थे। वो सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके 8 महीने बाद वो सभी दोबारा मिलते हैं क्योंकि ब्रिजेट ने ही दोबारा मिलने का प्लान बनाया था। पुलिस को उन्हें पकड़े हुए 8 महीने हो चुके थे इसलिए अब उन लोगों ने भी उनका पीछा छोड़ दिया था। वो सभी अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। नीना और शॉन ने शादी कर ली थी और जैकी भी अपनी जॉब कर रही थी। हम देखते हैं कि जिस क्लब में बैठकर वो सभी चोरी का प्लान बनाते थे उसी क्लब के बेसमेंट में ब्रिजेट ने बाकी के पैसे छुपा दिए थे। नीना और जैकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ब्रिजेट ने ये सब अकेले कर लिया था। ये सारे पैसे ब्रिजेट के हिस्से के थे लेकिन वो सभी उन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। उन सभी की जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।